नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये वाला इसका पार्ट कर देना। हमारा यहाँ पे 10 मिनट वाला पनीर बन रहा है, यम्मी। तो यहाँ पे पेंटर्स ने जो है थोड़ा ब्रेक लिया है, तो हमने सोचा कि हम भी खाना खा लेते हैं। रीमा मेरे लिए खिचड़ी बना रही है। फिर शाम की तो तबीयत ही खराब हो गई है, 3-4 दिन से घर में पेंट चल रहा है और ऑयल वाला कुछ इन्होंने फिनिशिंग दी थी स्टार्टिंग में, उसकी वजह से पूरे घर में इतनी ज़्यादा स्मेल उड़ी है। मैं आपको क्या बोलूँ, पता है ऐसा लग रहा है जैसे वॉमिटिंग आ रही हो। चौथा दिन है ना प्रशांत, हाँ, पेंटिंग का हाँ। चौथा दिन है और अभी भी पेंटिंग आपको कहीं मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत फिनिशिंग के साथ ये काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है करने में। और जो हमने स्पेशल फीचर बनवाया उसमें स्पेशली ज्यादा टाइम लग रहा है, उसमें तो और ही ज्यादा लग रहा है। और मफिन की भी तबीयत खराब हो गई है हमारे घर में, हमें ना मफिन को मिनी दीदी के घर छोड़ के आना पड़ा रात में 3 बजे, उसने वॉमिट कर दी। वो कल से ही मुझे लग रहा था उसकी तबीयत खराब होगी, क्योंकि जो खुशबू थी वो इतनी ज्यादा उड़ रही थी ना, वो जो स्मेल थी। वैसे तो वो कमरे में ही है, क्योंकि हम लोगों ने डस्ट रोकने के लिए दरवाजे के नीचे डोर सीलर्स लगवा रखे हैं, तो डस्ट तो नहीं आ रही है, लेकिन क्या है वो थोड़ी स्मेल आती है। और डॉग्स की जो नोज होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो आज सुबह सुबह होते ही मैंने उसे मिनी के घर पे पहुंचा दिया। मैंने कहा तुम 2 दिन अब वहीं रहो, कम से कम जब तक यहाँ पे पेंट खत्म होगा तुम्हारे तबीयत भी ठीक हो जाएगी, वहीं से हम उसे डॉक्टर को भी दिखा देंगे, ये सोचा है हमने। और अभी फिलहाल मैं तैयार हो रही हूँ, तैयार होके मैं जा रही हूँ मिनी दीदी के साथ। तीज की जो फंक्शन है ना, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी आपसे। तीज के फंक्शन के लिए जो मैं पहनने वाली हूँ कपड़े, उसके मैचिंग के मेरे पास स्लीपर्स नहीं है, मैचिंग के छोड़ो मेरे पास साड़ी के ही स्लीपर्स नहीं है, मतलब पुराने हो रहे हैं सारे स्लीपर्स। तो मैं सोच रही हूँ कोई अच्छे से स्लीपर्स देख कर आऊँ, या सैंडल्स देख कर आऊँ, या फिर और पास में जो मॉल है ना वहीं पर जाएंगे मैं और मिनी दीदी। और शाम को शायद हम लोग सारे फ्रेंड्स मिले भी, क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे भी है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे वंस अगेन, आज संडे है एक्चुअली, तो संडे का फ्रेंडशिप डे भी था। आज कशिश को नहीं पता था फ्रेंडशिप डे है, सुबह जब मैंने उसे कॉल किया मैंने कहा कशिश फ्रेंडशिप डे है, तो इतनी कूदने लगी जोर जोर से जाके सारे कमरे में, सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोलकर आई। यानी मैं सबसे फर्स्ट हूँ, मम्मी आपने मुझे अच्छा हुआ बता दिया, मैंने सबको सबसे पहले बोला है। आज शाम को हम सब लोग मिलेंगे ना, तब आपको मिलवाती हूँ अपने फ्रेंड से, तो मेरी स्मेल बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्या करें, कोई तो एक बंदा रहेगा घर में, किसी की तो जरूरत है भी। इन्होंने वैसे फॉल सीलिंग पे कर दिया है, अभी नहीं किया, फॉल सीलिंग पे पेंट हो गया था नहीं, एक कोट हुआ है अभी। हाँ। एक कोट होना और बाकी, एक कोट में इतना सुंदर लग रहा है। हाँ, एक कोट। और आप लोगों को मालूम नहीं पड़ा होगा, लेकिन अब तक घर में काम चलते हुए 20 डेज हो चुके हैं ऑलरेडी, और धीरे धीरे काम जो है प्रगति पे है, और आज काफ़ी हद तक फिनिश हो जाएगा काम जो है, थोड़ा बहुत बचेगा कल का। इस वॉल पर हम 2 कलर रखने के मूड में थे, तो हमने वाइट रखा था साइड में और बीच में अपना अलग कलर रखा था, लेकिन फिर होने के बाद हम लोगों को कुछ इतना समझ नहीं आया, हमने एक पूरा जो था वो वाइट में भी करवा लिया था, तो दूर से जब हमने देखा तो वाइट वाला जो लुक था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हमने इनको बोला कि पूरा का पूरा आप ये वाइट कर दो, और सेंटर में हमने जो प्लेस छुड़वाई है वहाँ पर हम कुछ करने वाले हैं, जब हो जाएगा पूरा तो मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखा दूंगी, ये वॉल बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। निकलना है मुझे मिनी दीदी के साथ, पहले मार्केट जाना है और उसके बाद हम सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रही थी थोड़ी देर पहले। और आजकल हमारा सारा जीवन यापन जो है वो इसी कमरे में चल रहा है, वो तो बीच बीच में हम लोग किचन में चले जाते हैं, बाकी पूरी हमारी जीवन प्रक्रिया इसी रूम में चल रही है, तो इस रूम को इतना मैसी हो गया है, क्या बोलूँ मैं आपको। फिलहाल ये शर्ट कैसी लग रही है आपको, मैंने अर्बनिक से मंगाई थी, और कॉस्ट पड़ी थी वो मुझे नहीं पता, मैं आपको लिंक छोड़ दूंगी अगर आपको पसंद आ रही है तो। अच्छी लग रही है ना वैसे पहनने के बाद, प्रशांत आपको कैसी लग रही है? बढ़िया, और वो तो मैं पीछे उससे मैच कर रही है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा हो गया। इसके साथ इयररिंग्स और पहन लेती हूँ, यही मेरा आज का आउटफिट ऑफ द डे है, शूज और ये इनका आउटफिट ऑफ द डे, और ये हमारा आज का खाना है। मत दिखाओ बहुत घर गंदा हो रहा है। 500 रुपए में आ रहे हैं।
अभी आ रहे कस्टमर भी। ओ भाई साहब क्या भीड़ है, मैं सैटरडे कभी नहीं आती, मैं और परेशान कभी आ जाते तो बहुत बुरा फंसते, फिर पूरे टाइम हम एक दूसरे को बोलते हैं गाड़ी चलाने रहता है ना। तो वीकेंड में हर मॉल इसी तरीके से खचम खच भरा रहता है, और ये तो मतलब ऐसा हो गया कि नोएडा के सारे लोग यहीं पर ही आते हैं। तो ये जो किन्स है ना, इस पर मैं आई थी अपने लिए स्लीपर्स वगैरह देखने के लिए, सैंडल या फिर वेजेस हील होती है ना वो मैं देखने वाली थी। दिखाइएगा, तीन इंच भैया, ठीक है, ऐसे भी चलेगा, दिखाइए, सिक्स नंबर है मेरा, मिल जाएगा, ये वाली पैर में लगा के दे दीजिए, दिखाइए दिखाइए, ये किस ये कितने इंच है, ये वाली कितने इंच है, चार इंच है, ये भी अच्छी लग रही है, सिंपल है, इसके तीन वाला है, हाँ ये भी अच्छी, पैंट अच्छी है, वो वाली कितने की है, ढाई है, इसका पार्टनर देना। यहाँ पर मुझे दो हील्स पसंद आई थी और मैं उनमें कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं एक दो शॉप और चेक करनी चाहिए। फिलहाल जो मैंने पहनी हुई है ना, ये बहुत ही स्पार्कलिंग थी लेकिन देखने में बड़ी प्यारी लग रही थी। मुझे ऐसी चाहिए थी जो थोड़ी सी सबटल हो लेकिन एट द सेम टाइम पार्टी में आप पहन के जा सको, पार्टी वेयर टाइप हो। इसके जस्ट अपोजिट एक और शॉप थी तो हमने सोचा वहाँ पे भी ट्राई मार लेते हैं। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर ना डिज़ाइंस बहुत कम थे, वहाँ पर मल्टीपर्पज़ ये शॉप समझ लो, जैसे कि यहाँ पर सैंडल भी मिल रहे थे, पर्स भी मिल रहे थे, क्लचेस भी मिल रहे थे, तो इनके पास सैंडल्स के जो डिज़ाइंस थे वो बहुत मिनिमम थे। इनके पर्स के डिज़ाइन अच्छे हैं, आप क्या देख रहे हो? लाया लेने तो आ पाई थी मुझे रही अभी तो पसंद कर रहे हैं हम लोग, कौन से वाले। फिर मिनी दीदी बोलती है कि चलो भाभी मैं आपको ना यहाँ से तुरागनगर लेके चलती हूँ, वहाँ पर ना दो तीन शॉप्स हैं सैंडल्स की, वहाँ पर आपको पसंद आ जाएंगे। तो हम लोग बाइक पे थे, मिनी दीदी अपनी बाइक से लेकर आई थी मुझे, आज पूरा दिन उन्होंने मुझे बाइक पे घुमाया, मैंने अपने आप को डाकू हसीना की तरीके से ऐसे रैप कर लिया था क्योंकि यार सामने से इतनी धूल मिट्टी आती है जब आप बाइक पे जाते हो, और मैं तो बहुत सालों बाद बाइक पे बैठी थी, मुझे नहीं पता मैं कितने टाइम बाद बैठी थी, थोड़ा सा डर भी लग रहा था बाइक पे बैठने में, जब आपकी आदत छूट जाती है तो फिर थोड़ा डर लगता है, लेकिन बाइक पे मज़ा बहुत आता है, ठंडी ठंडी हवा सी लगती रहती है, अच्छा फील होता है। तो यहाँ से हम लोग निकल लिए मॉल से, अब हम जाएंगे तुरागनगर मार्केट। तुरागनगर मार्केट अगेन संडे की वजह से पूरा का पूरा भरा हुआ था, वैसे भी हमेशा ही भरा रहता है, और यहाँ पर इस टाइप की शॉप से मैंने काफ़ी बार आपको दिखाया है तुरागनगर मार्केट अपने ब्लॉग्स में। यहाँ पर भी हम लोग एक दो शॉप पर गए थे लेकिन यहाँ पर भी हमें कुछ समझ नहीं आया, लौट के बुद्धू हम लोग घर पे आ गए। लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ किन्स वाले के पास जो मुझे समझ में आई थी स्टार्टिंग में, मैं वही ले लूँ, तो मैं कल जाके लूँगी। छोटा है ना, इसका एक कोई माजी देना और देख लो ना डिजाइन, डिजाइन तो और दिखा दीजिए, इसमें ना नग वाले भी आते हैं, जो नग वाले होते हैं खराब हो जाते हैं, ये जो नग ये दे रखे हैं ना, ये ऐसी कैसी है, ये कुछ खराब नहीं है, ये तो फिर होगी पट्टी लगा के। यहाँ पर है हमारा प्यारा सा मफिन, मफिन मिलके इतना खुश हो गया था मुझसे, जबकि मैं तो 5-6 घंटे बाद ही मिली होंगी तब भी इतना खुश हो गया था, आज सुबह ही छोड़ा था मैंने उसे मिनी दीदी के घर पे, तो यहाँ पे बहुत आराम से था, एटलीस्ट यहाँ पे खुश था। घर में तो पेंट की वजह से उससे रुका ही नहीं जा रहा था, उसकी खुशबू वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, अच्छा हुआ मैंने उसे यहाँ छोड़ दिया। यहाँ पे 10 मिनट वाला पनीर बन रहा है, कितनी जल्दी बनाए, सही बात है, फटाफट फटाफट रोटी भी सेक दी, खाना खत्म, खाना बन गया मैं 10 मिनट, जब जल्दी होती है तो 10 मिनट के हिसाब से लगता है, और नहीं तो फिर टाइम लगता, फिर टाइम लेके बनाओ। अच्छा आ रहा है ये प्लांट आपका, अच्छा आ रहा है ना, और ये चोरी का हुआ है, हाँ वो कहते हैं ना मनी प्लांट तो चोरी का चलता है, ये बात सच है, वही चल रहा है।
बता के नहीं लेना चाहिए कभी भी मनी प्लांट। शाम के 6 बज गए, हम लोगों को 6:30 बजे मिलना है और हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जब घूम के आए थे तो चेहरे पर इतनी मिट्टी धूल चिपकी है कि पूरा चेहरा जो है खराब हो रहा था। ग्रुप में पूछो ना, देखते हैं। सब्जी तो बहुत बढ़िया लग रही है मेरी दीदी की, सब्जी अच्छी बनती है। दोपहर से तो मेरी दीदी मुझे लेकर मार्केट में घूम रही थी इधर उधर सैंडल दिलाने के चक्कर में, और फिर शाम हो गई थी, खाना बनाना इंपॉर्टेंट था। आंटी भी घर पर हैं तो उनके लिए तो बनाना था, अपनी सासू माँ के लिए उन्हें, तो उन्होंने पनीर जल्दी जल्दी लिया, 5-10 मिनट में फटाफट रेडी कर दिया। चिली पनीर बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था, हल्का सा सॉल्ट ज़्यादा था तो मैंने उनको बोला कि इसमें हल्का पानी डाल दो तो सही हो जाएगा। उन्होंने मुझे इसीलिए टेस्ट कराया था कि भाभी चेक करके तो देखो नमक वमक ठीक है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर उनका खाना बनकर तैयार हो गया था सासू माँ के लिए, फटाफट उन्होंने रेडी किया, खुद तैयार हुए हम लोग। मेरी दीदी बहुत ही कंफर्टेबल वाली स्लीपर्स पहनती हैं हमेशा, तो उनसे शूज़ पहने नहीं जाते और ना वो कभी शूज़ पहनती हैं। उन्होंने ना नए नए शूज़ मंगाए थे, ये ऑनलाइन उन्हें अच्छा ऑफर मिल गया था तो उन्होंने ये शूज़ मंगाए थे, लेकिन आज उनसे पहने नहीं जा रहे थे तो मैंने कहा मैं हेल्प करती हूँ आपकी, तो वो कह रही थी भाभी आप मत ऐसे करो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा क्या बात हुई, भाभी तो हमेशा नंदों के पैर छूती ही हैं तो इसमें क्या बात है अगर मैं पहना दूँगी। वैसे भी ना उनके एक पैर का जो है ऑपरेशन हुआ हुआ है जिसकी वजह से वो पैर जो है मोड़ नहीं पाती है तो वो वैसे भी नहीं पहन पाती, तो रुद्रांश भी घर पे नहीं था तो मैंने उनकी हेल्प कर दी पहनाने में। फ्रेंड्स ग्रुप के ना मैसेजेस आ रहे थे लगातार फ़ोन पे, तो मिनी दीदी उन्हीं का रिप्लाई कर रही थी कि जल्दी आ जाओ निकलना नहीं है लेट हो रहे, तो बस हम लोग फटाफट तैयार हुए और निकल लिए। आज था फ्रेंडशिप डे तो मिलना तो सबका बनता था, लेकिन कुछ लोगों को काम थे डिफरेंट, और फिर क्या था ना आज संडे भी था तो संडे के दिन ना फैमिली भी घर पे होती है तो कभी कभी ना कि सबके प्लान एक साथ बन नहीं पाते। पाँच ये वाली ले ले, पाँच लोग आराम, चार यहाँ बैठेंगे, एक बच्चे को यहाँ बैठाएंगे सेंटर पे, ठीक है, पाँच जाएंगे, ठीक है, बैठो बेटा, बैठा तूफानों के बीच दोस्तों के साथ बाहर निकलकर कुछ देर टाइम स्पेंड करना, थोड़ी मस्ती करना, कितना रिलैक्स करता है ना माइंड को। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसा ही बीता, और आप लोग बताओ कि आपका संडे कैसा गया कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और आज तो दोस्ती की खातिर सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, जल्दी जल्दी जाइए सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, लव यू ऑल।